चल रहा है 27 रुपए 20 पैसे, 27 रुपए 25 पैसे। ये पेपर स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो पेपर स्टॉक है, और स्टॉक का नाम है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका सिंबल है ओरिएंट पेपर, ORIENT PPR। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम अब यहाँ से बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से साइडवाइज कंसोलिडेशन में था, और आज स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स के साथ ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर पिछले 3 दिनों के हाई तो स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, और अब स्टॉक के अंदर यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्टॉप लॉस बढ़िया बैठ रहा है। ओरिएंट पेपर में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें 27.5 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाए सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.25 रुपए नीचे, यानी 1.25 या फिर 26 के आसपास का, और ऊपर में टारगेट बनेगा 30 रुपए से लेके 32 रुपए तक का। जिस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, जिस तरह का वॉल्यूम्स के साथ मूव देखने को मिल रहा है, ओरिएंट पेपर यहाँ से 30 रुपए से लेके 32 रुपए तक का मूव इस हफ्ते में दिखाना चाहिए। तो खरीदारी करें 26 या 1.25 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ओरिएंट पेपर एक और काउंटर जहां पर आपको खरीदारी करके